कैसे हैं आप सब लोग? आज ऊपर मुझे कहा है, मैं ना दिमाग में कोई आइडिया बनाया तो आइडिया आया तो मैं कोई चिप्स इतनी प्यारी बनाने लगी हूँ। तो आइए हम देखते हैं कैसे रोटी में सैंडविच। ठीक है, तो अब देखते हैं चिप्स बनाए। मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन मेरी फोटो नहीं आ रही। नहीं देखिए गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है जिसमें आवाज़ से वाला बोलते हैं। फिर चिप्स को रेडी करके, चिप्स में ज़्यादा आयत के लिए बना रही हूँ। ठीक है जी, रख दूँगी बना के। लेकिन ज़्यादा आयत के जी, तो ये देखिए इसके अंदर अभी पापा ने मसाला डाला है। और ये देखिए, ये जो है आंवला, प्याज और ये टमाटर है, ये जैतून, हाँ ये जैतून है, हाँ। और ये इसके अंदर डालेंगे रोटी के अंदर, कोई प्यारा सा सैंडविच बनाने लगी हैं। अभी तो मसाला ही डाला है चिप्स के अंदर। फिलहाल हम चिप्स बना रहे हैं जी। नाज़रीन मिलते हैं हम चिप्स बनाने के बाद। जी ये जो है हमारी चिप्स तैयार हो गई है, अब ये नरम कर ली है ना। अच्छा तो है आप लोग, हेलो। अच्छा तो क्या कहते हैं, आप लोग के पास अगर रोटी नहीं है तो रात वाली रोटी अगर आपके पास बड़ी होती है ना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं नया, ऐसे अगर हम जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे आप लोग कर सकते हैं रोटी जो रात वाली। ये देखिए ये रात वाली रोटी है। ये हमने मायोनीज और केचप डाला है रोटी के ऊपर जी। तो ये हमारे रात वाली रोटी थी, हमने उसके ऊपर ही केचप और मायोनीज लगा दी है। तो चले अब आप देखें इसके ऊपर ये प्याज और ये जैतून डाला है और ये टमाटर डाल दिए। और अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे और केचप, ओ केचप नहीं, चिप्स डालेंगे। चिप्स डाल रही हैं जो हमारे पापा, ये वाली। और हमने चीज़ भी डाल ली है अभी। अरे ये जो है चीज़ है, ये इसके ऊपर रखनी है हमने। ये देखिए ये चीज़ रखते हैं। अगर आपके पास, अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप ना डालें, कोई बात नहीं जी। तो हम, हमें थोड़ा लगा केचप रोटी के ऊपर तो हमने थोड़ा सा ये रोटी को फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारे सैंडविच की तरह ही लग रहा है बहुत। अब ये पकेगा तो फिर देखेंगे जी। अभी से ऐसे करके उल्टा कर देंगे तो अब ये पक रहा है हमारा। ये तैयार हो गया है, देखिए चीज़ कैसे गिर रही है। बहुत प्यारा सैंडविच है। हमने साथ में चाय भी बना दी है क्योंकि नाश्ता तो चाय के साथ ही अच्छा लगता है जी। तो आप ना कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको कैसी हमारी वीडियो लगी। और आप लोग भी ये ना ऐसा ज़रूर बना के देखिएगा।